नमस्कार दोस्तों, आज हम इस स्पैम का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर नज़र जाती है तो हथेली की चौड़ाई, ये एक चौड़ा पाम है, स्क्वेरिश पाम है। इस तरह के पाम वाले व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। ये पाम जब इस तरह की चौड़ाई पाम पर होती है तो हर कार्य आदमी अपनी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करता है। अब इनका अंगूठा मध्यम ग्रेड का है तो पर्सनालिटी मध्यम होगी, पर अंगूठे का जो फर्स्ट फोर का जो भाग, शुरुआती भाग है, वो नुकीला है। जब नुकीला होता है तो व्यक्ति अपने ध्येय के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ता है और उसे हासिल करता है। अब इस पाम में उंगली अच्छी खासी शनि पर्वत की ओर की उंगली की ओर झुक रही है, तो इसका मतलब ऐसे लोग अच्छे खासे धार्मिक होते हैं। और सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोग हिम्मती भी अच्छे खासे होते हैं। और ये तीनों उंगलियां काफ़ी सीधी है, तो ये भी अच्छी साइन है। प्लस छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही है, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, फाइलिंग, ये सब चीज़ों में मास्टर बनाता है। प्लस बिजनेस के अंदर भी ये उंगली अच्छी खासी व्यक्ति को मास्टर बनाती है। अब चलते इनके बुध ग्रह पर। बुध ग्रह अच्छा खासा फैला हुआ है, ऐसे लोग मृदुभाषी होते हैं, शांति से बोलने वाले होते हैं, समझकर बोलने वाले होते हैं और कंप्लीट बिजनेस माइंडेड लोग रहते हैं। और उस पर दो छोटी छोटी खड़ी रहने दो तीन, वो इस पर्वत को और स्ट्रांग बना रही है। अब चलते हैं इनके सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत न दबा है न उभरा है, अच्छा खासा सूर्य पर्वत है। और सूर्य की लाइन भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ अटकी, फिर वापस यहाँ से डार्क हुई, यहाँ चली, फिर यहाँ घूमी और यहाँ से फिर डार्क होकर आगे बढ़ी। इस तरह से टुकड़े टुकड़ों में लाइट डार्क होकर चल रही है। तो इस तरह की जो लाइन जब व्यक्ति के जीवन में होती है, तो जब लाइट होती है उस समय थोड़ी सी व्यक्ति को तकलीफ आती है, पर जब डार्क होती है उस समय व्यक्ति बैठे बैठे अर्न करता है। इतना ये लाइन आदमी को और धन दिलाने में भी अच्छा खासा सहयोग इस लाइन का होता है। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत भी न दबा है न उभरा है, तो बहुत अच्छी साइन है। यानी ऐसे व्यक्तियों को कष्ट ज़्यादा उठाना नहीं पड़ता, चीज़ें जीवन में आसानी से मिल जाती है। और एक खड़ी लाइन शनि पर्वत पर रहे तो ये भी अच्छी साइन है। बुढ़ापे में आदमी को पैसे की कोई कमी नहीं रहती, व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च करता है। अब चलते इनके गुरु माउंट पर। गुरु माउंट पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यानी जब ज़्यादा लाइनें होती है तो व्यक्ति के पास अच्छा खासा मल्टीपल बिजनेस होता है। और इस पर्वत पर एक स्क्वायर भी बन रहा है। जब इस तरह का स्क्वायर व्यक्ति के पाम पर होता है तो व्यक्ति को 32 साल के पहले खुद का घर, 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजिशन मिलती है। व्यक्ति कितने भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, वो अच्छी खासी पोजीशन पर पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस व्यक्ति बोलने की कला में भी माहिर होता है। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल को इलाका तो अच्छा मिला हुआ, पर न दबा है न उभरा हुआ है, मध्यम कद का बैलेंस अंदरूनी मंगल है, पर उस पर आड़ी रेखा है, दो चार जगह पर है, तो व्यक्ति थोड़ा सा चिंतित स्वभाव का भी रहता है। ये ऐसे लोगों में एक माइनस पॉइंट होता है, पर इनके शरीर में एनर्जी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि मंगल को क्षेत्र अंदरूनी मंगल को अच्छा खासा मिला हुआ है। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, मध्यम है,
तो ये किसी को मिलते होंगे तो एकदम एग्रेसिवली नहीं मिलते होंगे, बहुत सॉफ्टली पेश आते होंगे, पहले चीज़ों को समझते होंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते होंगे, इस तरह का इनका स्वभाव होगा। क्योंकि बहुत अच्छा खासा मंगल बारी मंगल उभरा हो तो व्यक्ति एकदम सामने किसी व्यक्ति को मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। अब चलते इनके चंद्र ग्रह पर। चंद्र ग्रह ऐसे तो एकदम क्लीन है, पर उस पर इस पार्ट में थोड़ा सा दबाव है। जब इस तरह का दबाव होता है व्यक्ति के, तो बहुत बार देखा गया है व्यक्ति बोलने ज़्यादा बोलता है, पर ये अलग टाइप का दबाव हुआ है। जनरली चंद्र ग्रह इस तरह से दबता है, पर ये केवल इतना सा पार्ट दबा हुआ है, तो हो सकता है ये गुण इनमें न भी हो, पर इलाका अच्छा खासा मिला हुआ है तो सोच काफ़ी रिफाइंड होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोच वाला होता है। अब इनके पाम में एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बना हुआ है। मैंने क्लोजअप के अंदर भी इस पार्ट को देखा, ये पार्ट ओपन नहीं है, ये कंप्लीट पैक है, भले हल्की सी लाइन से पैक है, पर ये पार्ट इनमें कंप्लीट पैक है। और ये तीनों लाइनों को मिलाकर अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बनता है, तो व्यक्ति के पास इनकम के स्रोत अच्छे खासे क्रिएट होते हैं, धन संग्रह ये अच्छा खासा व्यक्ति को जीवन में देता है और इनकम भी अच्छी खासी देता है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। जब किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा शुक्र रेखाएं हो मोटी वाली, तो व्यक्ति बहुत अमीर होता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। एक लाइन भी व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देता है देती है, तो जब तीन तीन लाइनें इस तरह की स्ट्रांग हो तो व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन आता है। ये रेखाएं भी धन देती है आड़ी रेखाएं, फिर भी अच्छा खासा धन देती है व्यक्ति को, तो ये और जीवन भर समृद्धि इनके जीवन में रहती है। बाकी शुक्र पर्वत से कोई इनको माइनस पॉइंट नहीं है, अच्छा खासा उभरा हुआ है, जैसा चाहिए वैसा है और बैलेंस है। अब चलते इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन इनकी दो पार्ट में शुरू हो रही है, एक शाखा गुरु से टच होकर कव बना रही है और उसमें से एक शाखा मंगल की ओर भी जा रही है। तो जब मंगल की ओर शाखा जाती है तो व्यक्ति में गुस्सा अधिक मात्रा में होता है, और गुरु से इस तरह से कव लेती है तो व्यक्ति थोड़ा भावुक भी होता है, अपने प्यार का प्रदर्शन भी करता है। इनके जवानी के दिनों में ये हाथ पकड़ के भी चलते होंगे अपनी पत्नी का, इस तरह का नेचर ऐसे लोगों का होता है और काफ़ी भावुक होते हैं। पर मंगल की तरफ जाने वाली रेखा इनको थोड़ा सा गुस्सेल भी बनाती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन इनकी जीवन रेखा से शुरू होकर यहाँ से अलग हो रही है, यानी जीवन के 26-27 साल से लगभग ये लाइन अलग हो रही है और थोड़ा सा उसका पार्ट गुरु की तरफ से निकलकर इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर एक रेखा और ऊपर जा रही है। जब इस तरह की माइंड लाइन गुरु से शुरू होती है या वहाँ पर उसका मुख भी हो, तो व्यक्ति काफ़ी एम्बिशियस होता है, अपने जो उन्होंने सपने बनाए रहते उसके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ता है और उसको हासिल करके रहता है। और ये जो पार्ट बना है इस तरह से ऊपर जो जा रही है रेखा छोटी सी, ये बहुत बार लिखने की कला व्यक्ति को अच्छी खासी देती है। ऐसे लोग कभी कभी
लेखन कार्य भी कर लेते और इनकी किताबें भी छपती है। ये उस तरह की साइन है इनके पाम पर। और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे एक धजा भी बन रही है, यानी फ्लैग साइन बन रही है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ये भी अच्छा खासा व्यक्ति को धन दिलाती है। और इस माइन लाइन में मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है, स्मूथली आगे बढ़ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिख रहा है इस पार्ट में, उम्र 32 से लेके 36 तक के पार्ट में, या उम्र 27 से लेके 35-36 के पार्ट तक दबाव दिख रहा है। उसके बाद माइन लाइन पे कोई दबाव है नहीं, यानी इस पार्ट में थोड़ा सा टेंशन या संघर्ष वाला जीवन इनका रहा होगा। अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा यहाँ से एक अलग कौ ले रही है, यानी उम्र लगभग 27 के आसपास इनके जीवन में, 27 या 28 के आसपास इनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया होगा। और उसके बाद इनकी जीवन रेखा चली और एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है। ये लगभग उम्र 36 के आसपास इनको कोई ना कोई टेंस जीवन में आया होगा, इनके जीवन में 36 के आसपास। और उसके बाद ये जीवन रेखा आगे बढ़ी और यहाँ पर केवल टच कर रही है, तो टेंस का कोई ज़्यादा, उसके आगे कोई राहु रेखा इतनी ज़्यादा इनको काट नहीं रही है कि इनके जीवन में कोई ज़्यादा टेंस आए। हाँ, पर उम्र यहाँ पर अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइनें दिख रही है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। जब किसी के हाथ में भल छोटी भी प्रोग्रेस लाइन हो तो ये अच्छा खासा संकेत जीवन में प्रोग्रेस का दे रही है, तो ये प्लस पॉइंट है। उम्र लगभग 40 के बाद, 40 के बाद इनका जीवन अप टू 60 या 55 तक अच्छा खासा प्रोग्रेस करेगा। अब ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कॉन्ट्रास्ट। अब इनकी जो फेट लाइन है यहाँ हल्की हो रही है, फिर भी यहाँ प्रोग्रेस लाइन है। इसका मतलब क्या, व्यक्ति फेट लाइन नहीं होने के बावजूद भी अच्छा खासा अर्न करेगा, ये इससे दिख रहा है। अब मैं जब फेट लाइन का डिस्कशन करूँगा तब आपको एक थोड़ी सी अंदर वाली चीज दिखाऊंगा। जब किसी के हाथ में अगर फेट लाइन नहीं भी हो, वहाँ धूमिल भी हो, और ऐसी कोई इनकी फेट लाइन मजबूत है नहीं, फिर भी इनके पास धन होगा, तो ये ड्यू टू ये प्रोग्रेस लाइनों के कारण। ये जब प्रोग्रेस लाइन है जीवन रेखा में बनती है और ये ट्रायंगल बनते हैं, तब जीवन काफ़ी सुनहरा रहता है। स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। लोगों को 2 से 3 लाइनें होती है तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो ये तो इनके पास अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन है इस पाम पर है। और उसके बाद भी है, ये तो शॉर्ट में मैंने बताया, उसके बाद भी इनकी प्रोग्रेस लाइन है कंटिन्यू जीवन में है, यानी इनका प्रोग्रेस कंटिन्यू चालू रहेगा बिना फेट लाइन के होने के बावजूद भी। और ये अच्छा संकेत है। और ये जो फिश टेल बन रही है ये व्यक्ति को यात्रा ज़्यादा कराती है, प्लस बुढ़ापे में अच्छा खासा धन संग्रह कराती है, और जीवन शरीर में ऊर्जा भी अच्छी खासी इसके कारण रहती है। अब चलते हैं इनके फेट लाइन पर। अब ये देखो, यहाँ से शुरू हुई फेट लाइन और इस पार्ट में आके हल्की हो गई, और यानी यहाँ पर इनका प्रोग्रेस कम हुआ होगा, कोई ज़्यादा अर्निंग किया नहीं होगा, स्मूथली काम चालू होगा। पर यहाँ पे इसी जीवन काल में यहाँ कोई प्रोग्रेस लाइन इनकी है नहीं, तो इनको उस तरह का लाभ नहीं मिला। पर जैसे ही यहाँ से एक नया सा बिजनेस इनका शुरू हुआ
और इस बिजनेस को इन्होंने आगे बढ़ाया और यहाँ चला। और इसके बाद ये लाइन हल्की हो रही है और आगे बढ़ रही है, और यहाँ से एक दूसरी लाइन शुरू हो रही है। यहाँ रिटायरमेंट वाली जो पैसा कमाया होगा उसके अच्छे खासे अर्निंग से इनका जीवन का गुजारा चलेगा। अब इस तरह से इनकी फेट लाइन चल रही है। और इसी पीरियड में मैंने क्लोजअप इनसे मंगाया था, आपको इस फोटो में भी दिख रहा है, मैं पतले कर्सर से एक फिश लाइन, फिश डेवलप हो रही है इस तरह की। अगर ये फिश डेवलप यहाँ पे होगी, क्योंकि इनके जीवन रेखा पे अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइनें हैं, यानी इनका जीवन निरंतर, नहीं तो लोगों को जब फेट लाइन यहाँ पूरी हो जाती है तो व्यक्ति अच्छा खासा स्टॉप हो जाता है इनकम, लोगों की जो बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं करता, उस तरह का मिलता है। पर इनके पास एक ये चिन्ह दिख रही है, दिख रहा है प्रोग्रेस लाइन, और दूसरा ये मनी ट्रायंगल। जब किसी व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल होता है और उसके हाथ में अगर फेट लाइन वहाँ पे दबी कुचली भी है तो भी व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाता है। तो तीन संकेत इनके धन ज़्यादा कमाने के दिख रहे हैं, यानी इनका जीवन में 40 के बाद अच्छा खासा ग्रोथ चालू हुआ होगा और अप टू एंड तक इनके ग्रोथ मिलने वाला है, चाहे इनकी फेट लाइन कमज़ोर भी हो। और ये फिश 101% यहाँ पर डेवलप होगी। तो मेरे हिसाब से इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।